हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर दोबारा से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर इंजीनियर एट साइट। मैं अनिल सैनी आपके लिए और आज भी वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आज आपको कुछ ऐसी डिटेल के बारे में बताऊँगा जिसमें जो काम आपने अपने घर पर भी कराया होगा और या साइट पर भी कराते होंगे, तो उसमें जो आप फिटिंग्स का यूज़ करते हैं उनको कैसे पहचानते हैं कि ये फिटिंग कहाँ पर यूज़ होती है। तो आइए बिना किसी देरी के चलते हम अपने फिटिंग्स की तरफ, जहाँ पर मैंने आपको इसमें बताया। और आज की ये वीडियो जो मैंने थोड़ा सा एक प्रेजेंटेशन के रूप में बनाई है, जिसमें मैं आज आपको एक्चुअल फ़ोटोज़ वगैरह नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि वो मैं अगले वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगा। सिर्फ इसमें मैं आज आपको इसके बारे में बताऊँगा कि ये फिटिंग कहाँ पर यूज़ की जाती है और कैसे यूज़ की जाती है। मैं सिर्फ आपको इसमें एक फ़ोटो के माध्यम से दिखाऊँगा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट। देखिए, ये हमारी CPVC फिटिंग्स होती हैं, कि हम इन फिटिंग्स को कैसे यूज़ करें और कहाँ यूज़ करें CPVC की फिटिंग्स को। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए एज ए सिविल इंजीनियर कि CPVC अगर कोई बोलता है तो CPVC का मीनिंग क्या होता है। तो CPVC का मीनिंग होता है क्लोरीनेटेड पॉली विनाइल क्लोराइड पाइप जो होते हैं, इसलिए इनको CPVC कहा जाता है। तो दोस्तों फिटिंग्स जो होती हैं, ये मैंने एक जगह पर सारी फिटिंग्स को इमेज के थ्रू आपको दिखाया है कि इस इमेज में कौन कौन सी फिटिंग्स को हम आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फिटिंग्स को ज़्यादातर हम कहाँ यूज़ करते हैं, एक तो पाइपिंग के लिए यूज़ करते हैं। मेनली पर्पस तो हमारा यही होता है कि पाइपिंग के लिए, क्योंकि हमें इसमें एक फ्लूड को फ्लो कराना होता है, चाहे वो वाटर भी हो सकता है, ऑयल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एज ए फ्लूड कुछ भी हो सकता है। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसमें मैं आपकी काफ़ी सारी फिटिंग्स हैं इनको एक इमेज के माध्यम से दिखा रहा हूँ। ये जो सारी फिटिंग्स जो दे रखी हैं, एक SDR 11 के नाम से हैं और एक है SDR 13.5 के। तो दोस्तों नेक्स्ट है हमारे, सबसे पहले आता है कपलर। कपलर का यूज़ कहाँ करते हैं, कि कपलर को हम इस जगह पे यूज़ करते हैं, जैसे हमारे कोई भी दो पाइप हैं तो उन दो पाइपों को स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें आगे बढ़ाना होता है, तो हम उस जगह पर कपलर का यूज़ करते हैं। अब बात आती है कपलर। कपलर जो है, ये जैसे भी साइज़ का आप पाइप यूज़ करेंगे उसी साइज़ में आपको कपलर मार्केट में अवेलेबल होंगे। इनका साइज़ जो होता है मार्केट में 3/4, जिसको बोलते हैं हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं पौना इंची होता है, 1 इंची होता है, 1.5 इंची होता है, 2 इंची, 2.5 इंची। तो ये हमारे फ्लूड को फ्लो कराने के लिए पाइप के साइज होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम कपलर का भी यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों एल्बो। ये एल्बो जो होती है हमारी, एल्बो होती है एकदम 90 डिग्री पर। ये जो एंगल है इसका, यहाँ से यहाँ तक जो है इसके बीच में एंगल जो बनता है, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बनता है। 90 डिग्री का एंगल बनता है, जिससे क्या होता है, हमें पाइप को सीधे सीधे क्या, हम किसी भी डायरेक्शन से पाइप को ला रहे हैं और हमें सीधे सीधे इस तरीके से मोड़ना होता है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, एल्बो का यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारी दोस्तों एल्बो की ही तरह होती है रिड्यूसिंग एल्बो। रिड्यूसिंग एल्बो का यूज़ करते हैं वहाँ पर जहाँ पर भी हमें, अगर हम देखते हैं कि ये आप देख पा रहे होंगे इसमें फ़ोटो में, कि ये वाला साइज़ जो दिया हुआ है ये कुछ बड़ा साइज़ है और ये साइज़ जो है ये छोटा साइज़ है। अगर मैं इसको मानता हूँ कि ये हमारा साइज़ 1 इंची दिया हुआ है, तो ये साइज़ जो होगा 3/4 भी हो सकता है, या फिर अगर ये साइज़ बढ़ जाता है तो ये साइज़ कम होता है। किसी भी पाइपलाइन के साइज़ को या तो इंक्रीज़ करने के लिए या फिर डिक्रीज़ करने के लिए हम वहाँ पर क्या करते हैं, रिड्यूसिंग एल्बो का यूज़ करते हैं। तो रिड्यूसिंग एल्बो का यूज़ एट ए 90 डिग्री पर हम पाइपलाइन को मोड़ने के लिए करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा टी सेक्शन। इसमें टी फिटिंग जो होती है हमारी, ये टी फिटिंग इसलिए होती है, अगर हम पाइपलाइन को क्या कर रहे हैं दोस्तों, सीधा लेकर जा रहे हैं, ये पाइपलाइन हमारी जो है ऐसे सीधी जा रही थी, अब हमने क्या किया, हमें एक पॉइंट इस तरफ भी देना होता है। तो अगर हमें पॉइंट यहाँ पर देना होगा
तो वहाँ पर हम टी फिटिंग्स का यूज़ कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट है रिड्यूसिंग टी। अब रिड्यूसिंग टी का भी से पर्पस तो दोनों का एक ही है, लेकिन रिड्यूसिंग टी का ये मेन पर्पस ये होता है कि जैसे रिड्यूसिंग टी का मेन पर्पस ये होता है, हम कोई भी एक पाइपलाइन को लेके आ रहे हैं। अब वो पाइपलाइन किसी भी साइज की हो सकती है, 1 इंची, 1.5 इंची, 2 इंची, 2.5 इंची, लेकिन हमें सिर्फ एज ए नॉर्मल यूज़ के लिए एक छोटा पाइप या छोटे कनेक्शन की ज़रूरत होती है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि रिड्यूसिंग टी का यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए छोटे साइज का एक पाइप दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे एक रिड्यूसिंग टी का यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट है क्रॉस टी। अब क्रॉस टी का कहाँ पर यूज़ करते हैं? क्रॉस टी का हम यूज़ वहाँ पर करते हैं जिस जगह पर हमें इस डायरेक्शन में भी पानी का फ्लो चाहिए, इस डायरेक्शन में भी पानी का फ्लो चाहिए होता है, इस डायरेक्शन में भी पानी का फ्लो चाहिए होता है, लेकिन इस डायरेक्शन से पानी का फ्लो आ रहा होता है। दोस्तों ये ऐसा नहीं कि हमें इधर भी चाहिए होता है तो फिर पानी कहाँ से लेके आएंगे, तो हमें इस डायरेक्शन से देखना होता है कि इधर से पानी अगर आ रहा है तो हमें तीनों डायरेक्शन के पानी के फ्लो के लिए हम क्रॉस टी का यूज़ करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका रिड्यूसर। रिड्यूसर का यूज़ जो करते हैं, रिड्यूसर का यूज़ हम दोस्तों उस जगह पर करते हैं जहाँ पर भी हमारा कोई पाइप अगर बड़े साइज़ का हो, उसे आगे हमें छोटे साइज़ में करना है, तो वहाँ पर रिड्यूसर का यूज़ करते हैं। तो रिड्यूसर में हम यहाँ देख भी पा रहे होंगे कि इस जगह पर जो है साइज़ कुछ हम मान के चलते हैं 1 इंची दिया होगा, तो यहाँ पर देखिए ये जो साइज है ये कुछ 3/4 हो जाता है। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है रिड्यूसर बुश के लिए। दोस्तों इस रिड्यूसर बुश का भी यूज़ वही है। इस रिड्यूसर बुश में क्या है कि हम इधर से जो इसका बैक साइड है, इधर से पाइप बड़े साइज़ का पाइप को जॉइंट किया जाता है, और इस तरफ से फ्रंट साइड से छोटे साइज़ को जॉइंट कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, इसका भी सेम यही यूज़ होता है कि जहाँ पर भी हमें बड़े पाइप से फिटिंग को छोटे पाइप की फिटिंग में कन्वर्ट करना होता हो, तो वहाँ पर भी हम रिड्यूसर बुश का यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट है यूनियन। दोस्तों आपने इस यूनियन का नाम, यूनियन को कहीं कई बार देखा होगा कि जब आप पानी का टैंक आपके घर पे होता है, उस पानी के टैंक में जब आप देखा होगा कि एक वाल्व लगा होता है, उस वाल्व के पास में ही ये यूनियन लगा होता है। मैं आपको वाल्व भी दिखाऊंगा इसमें। तो ये इस यूनियन का यूज़ कहाँ कैसे किया जाता है, जब हम इस यूनियन को लगा देते हैं तो हम क्या करना होता है कि बाई चांस हमें टंकी को साफ़ करना है तो हमें टंकी को वहाँ से मूव करना होगा, तो हम उस वाल्व को बंद करके और इस यूनियन को खोल करके यहाँ से ये जो है इसके बीच में चूड़ियाँ बनी होती हैं, तो इस वाल्व को जब यूनियन को जब खोलेंगे तो क्या होगा, वो हमारे टंकी का जॉइंट जो अलग हो जाएगा और हम इससे क्या टैंक को साफ़ कर सकते हैं आसानी से, कहीं दूसरी जगह मूव करा करके जैसे भी साफ़ करना होता है, या फिर हमें क्या करना होता है अगर फ्लोर चेंज करना है, जैसे हमने फर्स्ट फ्लोर था हमने सेकंड फ्लोर भी बना लिया, हमें उसी टैंक को सेकंड फ्लोर पर ले जाना है, तो हम वहाँ से क्या करेंगे उस यूनियन को खोल करके ऊपर ले जाएंगे और वही यूनियन की फिटिंग को ऊपर में ज्वाइंट कर देंगे। नेक्स्ट है दोस्तों एंड कैप। एंड कैप का यूज़ हम उस जगह पर करते हैं जहाँ पर भी हमें क्या करना है, अब ये पाइपलाइन आ रही है आपकी, अब इस पाइपलाइन में आपको यहाँ से पानी आगे नहीं ले जाना है, तो हम क्या करेंगे उस जगह पर एंड कैप का यूज़ कर लेंगे, जिससे क्या होगा वहाँ पे पानी बंद हो जाएगा। नेक्स्ट है एंड प्लग। दोस्तों ये एंड प्लग का भी वर्क वही होता है कि जब हम पानी को रोकना, मेन पर्पस तो होता है पानी को रोकना, लेकिन इस एंड प्लग को हम उस जगह पर यूज़ करते हैं जैसे हमने पाइपलाइन लेकर आए यहाँ से, हमारा ये किचन के लिए चला गया, ये बाथरूम के लिए चला गया, और ये हमारी किसी और जगह के लिए पाइप की हमने फिटिंग फैला दी है, तो हमने क्या किया यहाँ पर एक बुश लगाते हैं पीतल का, पीतल का बुश हो सकता है या स्टील का बुश हो सकता है, क्योंकि उस बुश के अंदर हम क्या करते हैं हम अपने कॉक को लगाते हैं, टोंटी जिसको बोलते हैं दोस्तों, जिस जगह पर हम टोंटी को लगाते हैं तो उस जगह पर हम इस एंड प्लग का यूज़ करते हैं। इस एंड प्लग का यूज़ करने का पर्पस ये होता है कि जब हम फिटिंग कर रहे होते हैं तो धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर पाइप के अंदर ना चला जाए, इसलिए हम क्या करते हैं एंड प्लग को वहाँ पर लगा देते हैं, और जब हमारा फिटिंग फिटिंग जो है फाइनल हो जाती है तो हम क्या करते हैं वहाँ पर टोंटी को लगा देते हैं, और टोंटी को पहले इसलिए नहीं लगाते हैं जिससे कि जैसे हम फिटिंग कर रहे होते हैं
या कोई ईंट पत्थर अगर उसके ऊपर गिर जाए तो हमारी टोंटी ख़राब हो सकती है, और उसकी अगर प्लास्टिक की टोंटी यूज़ करते हैं तो उसकी चूड़ियाँ उसी के अंदर रह जाती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा मेल एडेप्टर प्लास्टिक थ्रेड। थ्रेड इसमें क्या होता है, एक एडेप्टर होता है। इस एडेप्टर से हम क्या करते हैं, अब हमारे जैसे कोई बुश है उसमें हमारी चूड़ियाँ लगी हुई हैं, हम उस बुश से पाइपलाइन को आगे फ्लो कराना चाहते हैं, वाटर जो आगे फ्लो कराना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, मेल अडेप्टर होता है उसमें चूड़ियाँ अगर लगी हैं तो उसको कस दिया जाता है, और इधर पाइपलाइन जो आपकी जिस भी साइज़ की होती है उसी तरह हम आप जो मेल अडेप्टर होता है उसको ले आते हैं। कोई खास यूज़ नहीं होता मेल अडेप्टर का। उसी तरीके से एक फ़ीमेल अडेप्टर भी होता है, फ़ीमेल अडेप्टर का भी सेम वही यूज़ होता है, क्योंकि इसमें चूड़ियाँ जो होती हैं अंदर की तरफ बनी होती हैं और मेल अडेप्टर में चूड़ियाँ बाहर की तरफ बनी होती हैं। नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट है दोस्तों, हमारे पास ये फीमेल थ्रेड टी। अब हम फीमेल थ्रेड टी का यूज़ कहाँ पर करते हैं दोस्तों, फीमेल थ्रेड टी का यूज़ उस जगह पर करते हैं जैसे हमने क्या करना है, अपने बाथरूम के फिटिंग्स को कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर एक टोंटी की ज़रूरत होती है और ऊपर एक शावर की ज़रूरत होती है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस जगह पर हम ब्रास टी का यूज़ कर लेते हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ पर इस ब्रास के अंदर जो है आपकी टोंटी लग जाएगी, और यहाँ ये जो पाइपलाइन ऊपर जा रही है और ये पाइपलाइन आगे जा करके सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी एक ब्रास ब्रास एल्बो लग जाती है, और उस एल्बो में हम आप जो शावर होता है उसको कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट है फीमेल थ्रेडेड एल्बो। फीमेल थ्रेडेड एल्बो अभी मैंने आपको बताया कि जहाँ भी हम शावर लगाते हैं या फिर टोंटी लगानी होती है तो उस जगह पे हम फीमेल थ्रेडेड एल्बो का यूज़ करते हैं, क्योंकि यही जो एरिया होता है इस एक पोर्शन पे ही हम क्या करते हैं टोंटी को लगाते हैं, क्योंकि अगर प्लास्टिक की चूड़ी वाले में टोंटी को लगाएंगे तो उसमें ज़्यादा कसने पर टूटने का डर रहता है, इसलिए हम क्या करते हैं एक ब्रास की थ्रेडेड एल्बो का यूज़ कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है मेल एडेप्टर ब्रास थ्रेड। देखिए दोस्तों, मेल एडेप्टर ब्रास थ्रेड का यूज़ जो होता है उस जगह पर होता है, मान के चलते हैं अभी हमारे पास एक पाइपलाइन यहाँ से आ रही थी, एक पाइपलाइन जो है हमारी नीचे से आ रही है, अब हमें क्या करना है यहाँ से पाइपलाइन को चेंज करना है, और ना तो हमारे पास बुश है ना ही रिड्यूसर है, और हमें यहाँ से क्या करना है पाइपलाइन को आगे बढ़ाना है, लेकिन हमारे पास ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो हम उस जगह पर भी हम क्या कर सकते हैं, ये जो एरिया इस जगह से एक पाइपलाइन आएगी आपकी, और यहाँ से आपका जो ये फीमेल एडेप्टर है और उस मेल एडेप्टर को सॉरी ये मेल एडेप्टर है और उस एडेप्टर में फीमेल एडेप्टर को कस करके हम आप पाइपलाइन को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट है फीमेल एडेप्टर। सेम अभी मैंने आपको बताया कि फीमेल एडेप्टर और मेल एडेप्टर को दोनों को इस तरीके से कस के हम ऊपर आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है बाल वॉल। मैंने आपको पहले ही बताया था कि टैंक पर जहाँ भी यूनियन का यूज़ किया जाता है तो उस जगह पर हम क्या करते हैं, इस पोर्शन को क्या ये जो पोर्शन होता है इसको आप टैंक में फिट कर देते हैं, और ये पोर्शन होता है आपको इसकी पाइप जो फ्लो कराने के लिए पाइप इसमें जोड़ते हैं, तो जब आप इस पॉइंट से आप बंद कर देंगे वाल्व को तो पानी का फ्लो होना बंद हो जाएगा, जिससे क्या होगा आप कहीं भी जो भी फिटिंग्स को आप कर रहे होंगे तो उसको पूरा कर सकते हैं, अगर पानी ओपन होने में अगर फिटिंग्स को करेंगे तो उसमें क्या होगा पानी का प्रेशर आपको वर्क नहीं करने देगा, इसलिए हम वाल्व का यूज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है टैंक एडेप्टर। अब बात आती है कि हम टैंक को कनेक्ट कैसे करते हैं, टैंक को पाइपलाइन से कनेक्ट कैसे करते हैं, तो टैंक को पाइपलाइन से कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस पोर्शन को क्या करते हैं टैंक के अंदर फिट कर देते हैं, और ये पोर्शन हमारा बाहर की तरफ फिट होता है, ये जो आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक बोल्ट नुमा, ये भी प्लास्टिक का होता है, ये भी बोल्ट नुमा प्लास्टिक का होता है, तो हम क्या करते हैं इन दोनों को ओपन करके, ये रबड़ की गास्केट देख रहे हैं, ये रबड़ की गास्केट को टैंक की लेयर के बीच में फंसा करके
हम क्या करते हैं, टाइट कर देते हैं। अंदर की तरफ से ये वाला बोल्ट कस दिया जाता है और बाहर से ये बोल्ट कस दिया जाता है, और बाद में इसमें एक बाल वाल और यूनियन को एक साथ जॉइंट कर लिया जाता है। किस तरीके से जॉइंट किया जाता है, पहले हम क्या करते हैं, टैंक एडेप्टर को, ये आपका टैंक एडेप्टर हो जाता है। टैंक एडेप्टर के बाद फिर क्या होता है, एक बाल वाल्व का यूज़ करते हैं। बाल वाल्व के बाद फिर हम क्या यूज़ करते हैं, एक यूनियन का यूज़ करते हैं दोस्तों, तब आप पानी की सप्लाई को आप फ्लोर पे लेकर जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, अब जैसे आप पाइप फिटिंग कर रहे होते हैं, पाइप फिटिंग करने के टाइम पे क्या होता है कि कोई पाइपलाइन आपकी जो होती है वो एक दूसरे के ऊपर लैप कर जाती है, तो हम उस जगह पर क्या करते हैं, स्टेप ओवर बेंड का यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो 11 SDR, तो इस साइज़ का हम, इस साइज़ या फिर आपके जो जिस भी साइज़ का पाइप होगा उस साइज़ को आप यूज़ कर सकते हैं। पाइप का साइज़ भी दे रखा है कि 20 mm या फिर 25 mm तक का आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अब दोस्तों जब हम पाइप की फिटिंग करते हैं तो पाइप की फिटिंग करने के बाद हमें क्या करना होता है कि हमें पाइप को रोकना भी होता है। अब पाइप को रोकने के लिए क्या करते हैं, हम क्लैंप का यूज़ करते हैं, और जब क्लैंप का यूज़ करेंगे तो जिससे क्या होगा, हमारे पाइप जो अच्छे से फिट हो जाएंगे, और जब फिट हो जाएंगे तो इधर उधर मूव नहीं करेंगे, पानी के वेट से लटकेंगे नहीं या फिर गिरेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, ये अलग अलग कुछ साइज़ के दे रखे हैं, 15 mm से लेकर के 50 mm के कुछ क्लैंप दिए हैं। आप जिस भी साइज़ का पाइप यूज़ कर रहे हैं उसी साइज़ के आप क्लैंप को लगा सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है आपके, अब बात ये आती है कि आप CPVC पाइप को जोड़ते कैसे हैं, तो आपको CPVC पाइप को जोड़ने के लिए एक ऑरेंज कलर का सॉल्वेंट होगा या फिर आपका येलो कलर का सॉल्वेंट होगा, उस सॉल्वेंट को मार्केट में अवेलेबल होता है, उसको लेकर आइए आप, जो आपके जहाँ से भी सामान लेके आते हैं तो उससे ये कहिएगा कि शॉप CPVC पाइप को जोड़ने के लिए एक सॉल्वेंट दें, तो आपको कोई भी सॉल्वेंट ला करके दे देगा। बहुत सारी कंपनी के अलग अलग सॉल्वेंट होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, आपको लगाना कैसे होता है, तो इसके अंदर एक ब्रश टाइप का होता है, वो ढक्कन में ही लगा होता है, तो उसको निकाल करके आप पाइप के ऊपर इस तरीके से लगा सकते हैं, जैसे कि इमेज में मैंने शो कर रखा है। अब दोस्तों एक होता है हमारा, मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि आपने CPVC पढ़ा होगा लेकिन आपने UPVC का भी नाम सुना होगा कि UPVC का यूज़ कहाँ पर करते हैं और कैसे करते हैं। तो UPVC क्या होती है दोस्तों, मैंने उसके लिए आपका इसमें इमेज में शो कर रखा है। UPVC जो होती है, आप देखते होंगे कि बाथरूम में या फिर टॉयलेट में, किचन में, हम जो डबल लेयर वाले डोर का यूज़ करते हैं, वो डबल लेयर वाले जो डोर होते हैं उनमें जो प्लास्टिक यूज़ की जाती है वही हमारी UPVC होती है। हम उसको बोलते हैं अनप्लास्टिसाइड पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो काफ़ी सारे इसमें डोर के फ़ोटो दे रखे हैं, फ़ोटो फ्रेम भी हैं, तो वहाँ पर हम UPVC का यूज़ करते हैं। ये देखिए विंडो जो है ये प्लास्टिक शेड की, प्लास्टिक की बनी हुई, ये UPVC की बनी होती है। तो दोस्तों मेरी वीडियो कैसी लगी आपको, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर कोई मिस्टेक है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। थैंक यू दोस्तों।